Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. So, today we are going to learn about Hindi. So, students, आज हम करेंगे हिंदी में दो अक्षर वाले शब्द. Okay, students? सो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने स्वर एंड व्यंजन करे थे. व्यंजन, दो व्यंजनों को मिलाकर जो शब्द बनते हैं उसे कहते हैं दो अक्षर वाले शब्द. जैसे क ल कल, का ला कल, का ला कल, दो व्यंजनों को जोड़कर क्या बना? कल, दो अक्षर वाला शब्द. ब स बस, ब धन सा बस, बा सा बस. फ ल फल, फ ल फल. ज ग जग, ज ग जग. घ र घर, घ र घर. ओके स्टूडेंट्स, ये थे हमारे दो अक्षर वाले शब्द. आज हमने क्या करे? दो अक्षर वाले शब्द. क ल कल, ब स बस, फा ला फल, जा गा जग, घा रा घर. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम आते हैं तीन अक्षर वाले शब्दों पर. ओके, तीन अक्षर वाले शब्द जो तीन व्यंजनों को जोड़कर एक नया शब्द बनता है उसे कहते हैं तीन अक्षर वाले शब्द. क म ल कमल, क ल म कलम, श ह र शहर, न ह र नहर, स ड क सड़क, इसमें देखो बच्चों तीन व्यंजनों को जोड़कर एक नया शब्द बना है, इसे हम कहेंगे तीन अक्षर वाले शब्द. क म ल कमल, क ल म कलम, श ह र शहर, न ह र नहर, स ड क सड़क. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं चार अक्षर वाले शब्द, जो कि क्या है? चार व्यंजनों को जोड़कर एक नया अक्षर बनता है उसे हम कहते हैं चार अक्षर वाले शब्द.
न ट ख ट नटखट, क ट ह ल कटहल, श र ब त शरबत, ट म ट म टमटम, ब र त न बर्तन, ब र त न बर्तन। सो स्टूडेंट्स, न ट ख ट नटखट, क ट ह ल क ट ह ल कटहल, श र ब त शरबत, ट म टमटम, ब र त न बर्तन। तो स्टूडेंट्स, ये थे चार अक्षर वाले शब्द, एंड लर्न इट। ओके स्टूडेंट्स, सो बाय बाय, टेक केयर।